वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में भाई, ठीक है जी। आपसे क्या कहेगा कि भाई हमारे पास ये सर्कल है, प्लीज इधर, लास्ट क्लास में वैसे हमने डिस्कस कर लिया था लेकिन फिर भी दोबारा से देख, ये है आपके पास सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल में ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। क्या है सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे सर एक बार और कर लेते, ठीक है। अब होगा क्या, दो चीजें हैं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल्स होंगे 60 डिग्री, ठीक है भाई, एंगल ए बी सी सब 60 डिग्री होंगे। ये हो गया सेंटर इनका। अब सेंटर जो होगा, जो इसको ज्वाइन करेगा, वो इस एंगल को बाइसेक कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा सर्किल का रेडियस, ठीक है। अब अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे सर, तो वो इस साइड को करेगा बाइसेक। अगर ये ए है तो ये ए बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये रेडियस है, ये 30 है, ये ए बाई टू है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी तो देगा रेडियस कि नहीं सर रेडियस दिया हुआ है, साइड निकालो, कभी कभी साइड देगा तो रेडियस निकालो। आपसे क्वेश्चन तो करना, ज्यादातर क्वेश्चन तो उसे क्या करना है कि भाई उसने इसको शेड कर दिया, आपसे कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, सर्कल में से ट्राइंगल को। तो लेकिन बात कहां है, बात ये कि क्या हम दोनों निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देगा ना, तब बात एक ही देगा ना इसमें से, क्वेश्चन नंबर 6 में यही तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है कि रेडियस तो गिवन है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। अब साइड नहीं दी, ये है क्वेश्चन, सिर्फ क्या दिया हुआ है, रेडियस सर्कल में, और हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमारे पास उसकी साइड नहीं है। तो ये क्वेश्चन है मेन, एरिया तो निकाल ही लोगे, वो तो आप सीख ही चुके, तो आप पहले आप इससे ये निकालो। आ गया सर समझ में? तो यहां पे हमारे पास हो गया एबीसी, ये हमारे पास हो गया ओ, ये हम ले लेते हैं डी, तो इन राइट ट्राइंगल ओबीडी, ठीक है भाई। आपको क्या दिया हुआ, रेडियस, आपको क्या निकालना है, साइड, आपकी मर्जी, आप पहले बीडी निकाल लो, ए बाई टू निकाल लो, जो आपकी चॉइस। इस एंगल के लिए ये क्या है सर, बेस, और ये क्या है सर, तो बी डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, है ना भाई, ये बस हो। तो क्या हो जाएगा सर, बी डी कितना है नहीं मालूम, ओ बी कितना है, रेडियस, रेडियस कितना है भाई, अच्छा कॉस 30 कितना होता है, तो 2 से कितना 16 आ जाएगा जी, बी डी। अब बी सी इसका डबल हो जाएगा 2 BD, यानी कि 32 आ गया सर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइड कितना, तो एरिया बता दो बस, अब आप एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। क्या आ गया भाई, पाई कितना दिया हुआ, दिया हुआ कुछ पाई, कुछ नहीं है, तो रेडियस, ठीक है सर, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी, नोट करो जल्दी से।